तो सवाल है कि क्या उम्मीदें लेकर आए हैं। तो उम्मीद सभी की बात की जाए तो सभी कुछ ना कुछ अलग अलग उम्मीदें लेकर जाए आए हैं। कोई पानी की व्यवस्था की बात कर रहा है तो कोई कर्ज माफी की बात कर रहा है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर सिर्फ आदिवासी समाज के लोग ही नजर आएंगे। और ये जो बसें भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं इसमें भी आदिवासी समाज के अलग अलग जिले के लोग पहुंचे हुए हैं। और इन्हीं लोगों से बात करते हैं, कहां से आए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। कहां से आए हैं आप? मंडला से। मंडला से आए हैं आप जी। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार आज आप लोगों के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है बिरसा मुंडा की जयंती पर। सरकार तो बहुत दे रही है लोगों को, गरीबों को बहुत दे रही है, तो सरकार से उम्मीद भी है कि किसानों के लिए कुछ करे। किसानों जी क्या चाहते हैं आप किसानों के लिए? किसानों के लिए समय में खाद की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है यूरिया संकट बहुत गहरा जाता है। अच्छा, आप एक युवा हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है खासकर उन इलाकों में जहाँ पर आदिवासी इलाके पलायन के कारण, रोजगार के कारण। आपके इलाके में रोजगार है? आप है कहाँ के? और हमारे गांव में रोजगार नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मंडला जिला, ग्राम बिजुआ। ग्राम बिजुआ, जयदेवपुर पंचायत। तो आपको भी बाहर जाना पड़ता होगा रोजगार के लिए? बाहर जाना पड़ता है। क्या काम करते हैं आप? कुछ भी, मजदूरी करते हैं। ये जो आयोजन आज आपके लिए इतना बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, इस आयोजन से आदिवासी समाज पर कितना असर पड़ेगा? अब देखते हैं, क्या सुधरना तो चाहिए वैसे